focus, focus, focus. Hi everyone, how are you? Sorry. Hi everyone, good morning. और आप सब लोग कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पर क्या है बताएं? संडे है, उठने की मन ही नहीं कर रहे थे. और दिन तो बहुत जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ, पर संडे के दिन बिस्तर छोड़ने की बिल्कुल मन नहीं कर रहे थे. और फिर नॉर्मली संडे हम बाहर नहीं जाने की कोशिश करते हैं, घर पर ही रहते हैं, क्योंकि घर की पूरे हफ्ते की बहुत सारी काम प्रिपेयर करके रखना पड़ता है. पर इस संडे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, बिहान का स्विमिंग क्लास है, तो इसलिए आज कुछ नो ब्रेकफास्ट. नहीं नहीं, नो ब्रेकफास्ट नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे ऐसा नहीं है, पर कुछ अलग ब्रेकफास्ट है. तो दिखाओ क्या ब्रेकफास्ट है. ये देखो, मेरा पति देव कर रहा है ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन. देखा ये पपीता, देखो एकदम जायंट साइज का ये पपीता. पर पता है इंडिया की पपीता के जितने स्वाद है ना, इसमें ये साइज में तो जायंट है, पर स्वाद उतना है ही नहीं. पर क्या करूं, जो मिलता है वही खाना पड़ेगा, है ना. तो चलो अभी हमारा मिस्टर अंशुमान पपीता कट करेंगे और हम खाएंगे. ये पपीता की साइज इतना बड़ा है ना, इसको खाने से टमी ऐसे ही फूल हो जाएगी, कुछ और खाने की जरूरत ही नहीं. इसलिए हम सोचा आज ब्रेकफास्ट इससे ही करते, लेजी डे है तो ऐसे ही कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर लंच करेंगे. और एक्चुअली लंच भी हम जल्दी जल्दी आज थोड़े करेंगे, उसके बाद क्योंकि हमें निकलना है. तो ये देखो ऐसे कलर बहुत बढ़िया है, पर पता नहीं, कुछ कुछ पपीता होता है थोड़ी सी मीठे भी होता है, एकदम खराब खाने में होता है वो भी नहीं है. बिहान प्लेट नहीं आशो, बिहान पर देखते हैं इसका टेस्ट क्या है. बिहान यू वांट पपीता? नो. ओके अच्छा हैप्पी बाबा. ओके वॉश करबे, गो वॉश कर आशो. गुड जॉब. तो पपीता का रिव्यू क्या है? गुड. अगर आप कपड़े बना पूरे मेरम था. आज का उतना भी बुरा नहीं आया ना. उस दिन लाए थे, उस दिन तो बिल्कुल बेकार था, और स्टोर भी ठीक है. Yummy. Yummy. You like it? ये चादर जो देख रहे हो ना आप, जितने दिन विंटर है मुझे ज्यादातर इसमें देखोगे, घर में जब रहूंगी ज्यादातर इसमें देखोगी, जब भी थोड़ी सी ठंड महसूस होगी इसमें देखोगी. एक्चुअली इधर तो घर के अंदर हीटर है, एकदम रूम हीटर रहता है, तो उतना भी ठंड महसूस नहीं होता है जितना बाहर स्नो है. घर के अंदर जितना ठंड होना चाहिए इतना है नहीं, पर फिर भी रूम हीटर के ऊपर से भी कभी कभी ठंड लगते हैं, सुबह के टाइम पे तो कभी कभी लगते हैं. तो जब भी मुझे ठंड लगती है ज़्यादातर टाइम मुझे इसी चादर में पाओगे आप. मुझे ना चादर ओढ़ना बहुत पसंद है, बचपन से मुझे स्वेटर से ज़्यादा चादर ओढ़ना पसंद है. तो
इसलिए ये तो मेरे पास इधर थी नहीं, मैं जब आई थी ना इंडिया से तब लाई नहीं थी, तो मुझे मैं बहुत मिस करती थी ये चादर। फिर मेरे बिहान की जब डिलीवरी थी मेरी बिहान की टाइम पे, तब मेरे मम्मी आई हुई थी इधर, तो तब मैं मंगवाई थी मम्मी से, मम्मी और कुछ लाओ ना लाओ ये चादर जरूर लाना। तो तब से मैं, ये मेरा एक मोस्ट फेवरेट चीज़ है, मैं बहुत इसको पहनती हूँ। तो चलो अभी पपीता हम लोग खत्म कर ले, फिर उसके बाद बात करती हूँ, ठीक है? क्या हुआ पता है, मैं खाना मतलब लगभग बना ही चुकी हूँ। दो चीज़ बनाई थी, करोला का कुरकुरे बनाई थी और जुकीनी का एक सब्ज़ी बनाया। तो मुझे वो दोनों ही ड्राई सब्जी बनाया, थोड़ी सी रस वाले कुछ चाहिए था। तो उसके लिए मैं ना जो राजमा, छोले एंड काला चना, ये तीनों मिलाकर बॉईल करके रखी थी, उसका एक करी टाइप्स का बना लूँगी। तो हमें बाहर भी जाना है, और इसी बीच मैं जल्दी जल्दी खाना बना ही रही थी, इसी बीच मेरे बेटे ने क्या किया, वो आजकल खुद से ही टॉयलेट चले जाते हैं जब भी उसको ज़रूरत पड़ता है। तो खुद से चला गया टॉयलेट जा रही हूँ बोलकर, और वहाँ जाकर ना कमोड की पूरा पानी से खेलने लगे, पूरा वहाँ नहा लिया खुद से। फिर उसको खाना बनाने छोड़कर उसको नहलाया। फिर अभी तो टाइम भी बचा नहीं, और सूखा सूखा मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही खा नहीं सकते, तो इसलिए अभी उनको ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बेटों को खिलाना है, रेडी करना है, मुझे रेडी करना है, तो टाइम से हम निकल नहीं पाएंगे। तो अभी वो बना रहे, पर वो कैसे बना रहे ये देखना तो ज़रूर बनता है। तो पहले आप क्या देने वाले हो? ऑयल? ओके। और फिर तुम ही बोलो। मैं बोलूँ तो फिर वो देने वाले है ना एक, ये एक क्रश्ड मसाला है, थोड़ी सी जीरा एंड पॉमीग्रेनेट सीड के थोड़े क्रश्ड करके दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद थोड़ी कसूरी मेथी को भी क्रश्ड करके देना है, ठीक बोल रही हूँ ना? अब उसके बाद क्या दोगी? कसूरी मेथी, राइट? ठीक है। अभी क्या करोगे? सारे मसाला एक एक करके डालोगे, राइट? क्या क्या मसाला डालने वाले हो? रेड चिली पाउडर, हल्दी, धने और जीरा, और अदरक पेस्ट, और थोड़ी सी ग्रीन चिली पेस्ट डाल दोगे, ठीक बोला मैंने? सी ग्रीन चिली दिया है, हम लोग थोड़ा स्पाइस कम खाते हैं, तो इसलिए थोड़ी कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे। और ये सब थोड़ी भूनने के बाद ना वो थोड़ा टमेटो का जो पेस्ट बोलो या प्यूरी बोलो जो है वो डाल देंगे। ये सब अच्छे से भून जाने के बाद उसमें थोड़ी सी पीनट की पेस्ट वो डालने वाले हैं, और सारी मसाला भून के जब उसमें ऑयल निकलने आएंगे ना, तब उसमें वो छोले डाल देंगे, ठीक है? तो लास्ट में एक इंग्रेडिएंट्स वो डालने वाले हैं, एक पंजाबी छोले मसाला जो है ना वो ही डाल दूंगी, वो मैं घर पे बनाती हूँ, वो डाल देंगे लास्ट में, ठीक है? तो मुझे अभी पूरा प्रोसेस दिखाने के टाइम नहीं है। कैसे हुआ? सच बोलूं? बोलो। बहुत बढ़िया हुआ। ये देखिए हमारे बीवी बिहान को देखिए, वो नींद में था, उसको उठा कर लेकर आए, उसको इसलिए बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। तो ऐसे यस, योर नेम इज विहान, तो इसलिए उसको ऐसे कंबल से ओढ़ के लेकर जा रहा है अभी, क्योंकि स्विमिंग क्लास पे पानी में जाना है ना, तो तब भी थोड़ा उसको ठंड लगेगी, नींद से उठे है तो अभी थोड़ी गर्म रैप करके इसको रख रहे हैं। थोड़ी सी लेट हो चुके हैं इसलिए अभी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। आज देखिए
ये बारिश तो नहीं है पर धूप भी उतना ज़्यादा नहीं है, बस ऐसे ही। थोड़ी सी क्लाउडी, बहुत ज़्यादा क्लाउडी भी नहीं, थोड़ी सी धूप निकले है, थोड़ी सी क्लाउडी, ऐसा कुछ मौसम है आज। और हम निकल पड़े और इधर पतिदेव बहुत ध्यान से ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, इसलिए अगर गलती से भी कोई भी रास्ता मिस्टेक हो जाए, रास्ते पे कोई भी मिस्टेक हो जाए और हम गलत रास्ता चले जाए तो आज का क्लास कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ अभी ड्राइव हो रहे हैं। तो चलो हम पहुंच के फिर बात करते थे। पिछले ब्लॉग पे आपको दिखाए थे ना ये लेक साइड से हम जा रहे थे, फिर एक लेक के सामने हम थोड़ी टाइम स्पेंड किए थे, ये वही लेक है, फिर से हम यहाँ से गुजर रहे हैं। इतना खूबसूरत है ना ये लेक, क्या बताऊँ मैं आपको, क्या बताऊँ। और यहाँ लेक खत्म होके घना जंगल स्टार्ट हो रहे हैं। देखो सामने दो साइड पे, रोड की दोनों साइड पे है। अभी हम यहाँ से दूसरे तरफ मुड़ जाएंगे, ये रास्ता को यहाँ पर ही बाय बाय कर देंगे। और पतिदेव मैं आज कैसे लग रही हूँ, कैसे लग रही हूँ? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ये सुंदर सड़क से जा रहे हो, साइड में एक सुंदर लड़की बैठी है, तो आपको कैसे महसूस हो रहे हैं? बहुत ही प्राउड, बहुत प्राउड हो रहे हैं। यस बेबी। तो हमारे पतिदेव को बहुत ज्यादा प्राउड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्राउड के मारे वो कहीं ठोक ना दे, इसलिए मुझे रास्ते को ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए अभी कैमरा मैं ऑफ करती हूँ। तो आपसे बाद में मिलती हूँ पहुंचने के बाद, ठीक है? नेक्स्ट ब्लॉक, डेट होम, बाय बोल बाबू, बाय।